बच्चों, बच्चो आज हम करेंगे पी वाई क्यूज डिस्कस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के ऊपर क्योंकि ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और नीट एग्जाम की तैयारी करने वाले सारे बच्चों को रिकमेंड किया जाता है कि आपको पी वाई क्यू जरूर सॉल्व करने हैं सुना होगा ना हर किसी के इंटरव्यू में हर किसी टॉपर के इंटरव्यू में ज़रूर आपने सुना होगा वो हमेशा रिकेमेंड करते कि पी वाई क्यू ज़रूर सॉल्व करो दैट इज़ वाई हम पी वाई क्यू करने वाले हैं क्या एजेंडा है पी वाई क्यू सॉल्व करने के पीछे कि आपको ना आइडिया लग जाएगा बेसिक कि हमने जो जो पढ़ा है ना अब तक उसमें से क्वेश्चन किस टाइप के अभी तक पूछे गए हैं और मान के चलो कि वही पैटर्न चलता है आगे भी ठीक है जितना अभी पिछले पांच छह सालों में क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे गए हैं जिस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं अलग अलग वे के अंदर ठीक है इसलिए आपको पी लगाना बहुत जरूरी है नॉट ओनली फॉर दिस ठीक है आपको क्या करना होगा आपको हर चैप्टर के पी वाई लगाने होंगे चाहे वो बायोलॉजी हो फिज़िक्स हो केमिस्ट्री हो किसी भी ठीक है चलिए शुरू करते हैं आई एम एकता सोनिया एंड आई एम वेलकमिंग यू ईच एंड एवरी वन ऑन दिस यूट्यूब चैनल वेदांत नीट ट्वेंटी मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल क्योंकि यहाँ पर आपको पी मिलते हैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पर आपको थेरी लेक्चर्स भी मिलते हैं अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं या फिर कोई दूसरे आप कहीं जगह से पढ़ रहे हैं वेदांतु के चैनल से लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे और डिटेल में पढ़ना है तो आप इस चैनल के ऊपर जरूर आ सकते हैं ठीक है तो यहां पर डिटेलिंग में हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं चलिए फिर शुरू करते हैं पी वाई क्यूज डिस्कस करना है ना नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं एंड यस चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहला काम तो क्वेश्चन पढ़ना ही होता है ना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस की गिवन बिलो आर दू स्टेटमेंट्स वन इज लेबल्ड एज वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन ठीक है असर्शन पढ़ते जरा सा असरशन है पॉलीमरीज चेन रिएक्शन यानी कि पी सी आर इज यूज इन डीएनए एम्पलीफिकेशन क्या वो डीएनए एम्पलीफिकेशन में काम आती है पी सी आर ऑब्वियसली डीएनए की कॉपीज बहुत सारी बनाई थी एम्पलीफाई किया था द एम एम्फिसन रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज अलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन येस ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है उनके लिए हमने रेजिस्टेंट जीन जो पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू हमने पढ़ा था उसमें जो हमारी रेजिस्टेंट जीन थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दे वर द सेलेक्टेबल मार्करस नो जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे थे ये देख पा रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेंट को हम अलग कैसे कर सकते हैं तो एम्फेसिलीन रेजिस्टेंट जीन जो थी वो यूज़ करी गई थी एज अ सेलेक्टेबल मार्कर बोथ आर द स्टेटमेंट्स ट्रू अब हमें ये देखना है ये देखिए नीट दो में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है सो इन दी ला लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन आपको देखने पहला ऑप्शन है असरशन इज करेक्ट बट रीजन इज एंड रीजन इज़ ऑल्सो करेक्ट ठीक है बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इनको हम कैसे सॉल्व करें कि ए और आर करेक्ट हैं बट आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए और आर करेक्ट है बट आर ए और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है ठीक है तो ये सॉर्ट आउट करेंगे कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट ठीक है तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेने हैं दो स्टेटमेंट्स गिवन है दोनों को आराम से इतमान से पढ़ो ये असर्शन क्या है रीज़न क्या है अपनी पूरी की पूरी नॉलेज जो है ना उस पर देखो कि उसके अंदर तुमने कहीं पर भी ये लाइन पढ़ी है कहीं पर भी एन में तुमने ऐसा कुछ पढ़ा है अगर हाँ दिमाग कहता है हाँ तो ज़रूर आपने अगर पढ़ा है तो बिल्कुल सही है वो स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट सही है उसके आगे लगा लो करेक्ट ये स्टेटमेंट सही है करेक्ट ठीक अब देखो बिकॉज लगाओ इनके बीच में एक लिंक होती ना जैसे कि Uh, हमें क्या होता है जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ कि uh, एक बंदा है राम ठीक है राम सोता है क्योंकि उसे नींद आती है राम सो रहा है क्योंकि उसे नींद आ रही है सिंपल सी चीज है हमने दो स्टेटमेंट्स बोले राम सो रहा है और दूसरा स्टेटमेंट है क्योंकि uh, uh, उसे नींद आ रही है ठीक है दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक वर्ड यूज किया क्योंकि बिकॉज है ना राम सो क्यों रहा है क्योंकि उसे नींद आ रही है दैट्स वाई ही इज स्लीपिंग रोड राइट तो इसीलिए हमें भी एक कनेक्टिव लिंक देखनी पड़ेगी कि दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं दोनों ही स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं इसके लिए हमें एक, वहां पर कनेक्शन लिंक बनाना पड़ेगा कनेक्टिव लिंक कि उस किसकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं कि ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं ठीक है तो हमें तो ये तो पता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो अगर कहीं पे भी रॉन्ग वाला आंसर आ रहा है कि ये करेक्ट नहीं है तो वो वाला तो आंसर हमारा गया जैसे कि ए इज करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट गलत हो जाएगा है ना ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है ना दोनों जगह करेक्ट ही करेक्ट है अब कन्फ्यूजन आ गई इसमें तो अब कन्फ्यूजन आ गई तो रामबाण उपाय क्या बिकॉज बिकॉज लगाओ दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में इधर लगाओ बिकॉज तो अब क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज इन डी एन एम्पलीफिकेशन बिकॉज द एम्फिस रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक चेक ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों इतना तो दिमाग हम सब में है कि जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो पी हमने अलग से पढ़ा था सेलेक्टेबल मार्करस हमने अलग पढ़ा था रिमेंबर मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई थी ना तो भी अलग बनाई थी सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर वीडियो अलग बनाई थी पी पे अलग बनाई थी मतलब ये दोनों ही चीज़ें जहाँ एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं कर रही हैं ठीक है दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं कर रही हैं इसका यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर की बात हो रही है यहाँ पी की बात हो रही है वॉट द रिलेशन कोई रिलेशन नहीं है इसलिए ये आर जो है इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे ठीक है तो ये हो गया इस तरीके से कि ये बिल्कुल भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है तो ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द करेक्ट ऑप्शन कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओके ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डील कर uh, चलते हैं फटाफट ठीक है फटा फट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये देखिए नेक्स्ट ये इसका आंसर आपको बता दिया गया यहाँ पे थर्ड नंबर का आंसर जो है हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरिस टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरिस टेक्निक से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही सही नहीं है ठीक है बच्चों को बहुत ऐसे हो जा, हो जाता है कि ना वो पढ़ते पढ़ते और एन्जाइटी लेवल इतना होता है एग्जाम के टाइम पर क्योंकि तीन सब्जेक्ट्स का बर्डन हमारे सिर पे चल रहा होता है तो फिर हमें ना इतना ज़्यादा एन्जाइटी लेवल होता है कि हम ढंग से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं वो सिर्फ ट्रू वर्ड पढ़ेंगे नॉट ट्रू नहीं पढ़ेंगे तो वो ट्रू स्टेटमेंट देखने लगते हैं फिर उनको ऑलमोस्ट सारे स्टेटमेंट्स ट्रू लगते हैं फिर वो देखते हैं कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है फिर वो टाइम पास कर लेते हैं फिर उनका टाइम बर्बाद हो जाता है क्वेश्चन आता हुआ छूट जाता है ये चीज़ नहीं करनी है ये होते हैं बच्चों की इनको हमें करने करना है ऐसे राउंड कर लो अंडरलाइन कर लो कि नॉट ट्रू नॉट ट्रू पूछा हुआ है ट्रू नहीं पूछा हुआ ठीक है है ठीक चलिए फिर क्वेश्चंस ऑप्शंस पढ़ते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरसिस के रिगार्डिंग कुछ uh, हमें स्टेटमेंट्स uh, दिए हुए हैं गलत स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देखना है ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन एक्सप्रेस इनटू यूवी लाइट ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स जो हैं वो डीएनए के देखे जाते हैं उस जेल के अंदर जब उसको यूवी लाइट से एक्सपोज किया जाता है एब्सोल्युटली करेक्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए एन फ्रॉम जेल इज़ गॉड इल्यूजन एब्सोल्युटली करेक्ट मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इल्यूजन जिसमें क्या होता है कि हम उस डी एन ए को जब हम सेपरेट कर रहे थे उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या कर रहे थे जेल को काट के अलग कर रहे थे तो जेल से हम काट के अलग कर रहे थे उसको हम इल्यूज़न कहते हैं ओके okay? ठीक <coughs> है तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हमें नॉट ट्रू ढूंढना है चलिए ढूंढते हैंडियम ब्रोमाइड से ही हम स्टेन किए थे उनको तभी तो हमें वो दिखाई दिए थे प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टांस सबस्टेट गिव्स अस ब्लू कलर डी एन ए बैंड ऑन क्रोमोजेनिक सब्सटेट यानी कि इथीडियम ब्रोमाइड जब हमने डाला था हमें ना बच्चों ब्राइट ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स दिखाई दी थी ब्राइट ऑरेंज कलर के डी एन ए फ्रेगमेंट्स हो गए थे ब्लू कलर नहीं आया था वहाँ पर तो बाय ये तो हो गया ना गलत तो ये नॉट ट्रू यही हो गया इसका करेक्ट आंसर ओके तो फोर्थ नंबर हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर चलते हैं ये देखिए फोर्थ नंबर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इन दी फॉलोइंग पेलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस हमें क्या देखना है ऑफ वन कैन बी कट पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन देखो अब आपको यहां पर कुछ सीक्वेंस दिया हुआ डीएनए का अब आपको यह देखना है कि पेलिंड्रोमिक ऐसा कौन सा पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसको हम एक पर्टिकुलर uh, उससे कट कर सकते हैं किससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ना हमेशा और हमेशा एक पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटता है पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है फाइव डेज टू थ्री डेज पढ़ना है आगे से पीछे से दोनों साइड से पढ़ने पर एक ही डायरेक्शन फाइव डैस टू थ्री डेज ऐसा नहीं हो कि एक जगह हम फाइव डेज टू थ्री डेज पढ़ रहे हैं एक जगह हम ह्री डेज टू फाइव डेज पढ़ रहे हैं अगर हम फाइव डेज टू थ्री डेज पढ़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी फाइव डेज टू थ्री डेज इस डायरेक्शन में भी फाइव डेज टू थ्री डेज ठीक है दोनों ही डायरेक्शंस के आ, 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 आप फाइव डेज टू थ्री डेज पढ़ो और दोनों जगह से सेम आना चाहिए वो ठीक तो पढ़ते हैं यहाँ पर फाइव डेज टू थ्री डेज यहाँ पर देखिए क्या सीक्वेंस से रखा है जी टी ए टी टी सी ठीक अब यहाँ से फाइव डेज टू थ्री डेज डायरेक्शन यही रखनी फाइव डेज टू थ्री डेज ऐसा नहीं कि यहाँ पे फाइव डेज टू थ्री डेज पढ़ा तो यहाँ थ्री डेज टू फाइव डेज पढ़ने लग जाएंगे कि मैम यहाँ से पढ़ते पढ़ते तो हम ऐसे ही मूव कर गए है ना ऐसा नहीं करना आपको यहाँ से पढ़ना है फाइव डेज टू थ्री डेज पढ़ा था ना अभी तो अभी यहाँ पर भी फाइव डेज टू थ्री डेज पढ़ना है ठीक है डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए सी ए टी ए जी कहीं पे भी कोई स्पेलिंग ड्रोम नहीं बन रहा मलयालम मलयालम का उल्टा करोगे तो भी मलयालम ही आएगा ना वो चीज़ हमें देखनी है उल्टी करने पे क्या चीज़ आ रही है सेम आनी चाहिए जी ए टी ए सी टी ए जी टी देखो शुरू में गलत हो गया फाइव ड्रेज पे यहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ जी लिखा हुआ तो ये तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया, गलत हो गया। आगे थ्री डेज में देखते हैं फाइव सॉरी फाइव ड्रेज पे देखते हैं जी ए ए टी टी सी इधर भी देखें जी ए ए टी टी सी ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है पढ़ने में जी ए ए टी टी सी जी ए टी टी सी फाइव ड्रेस टू थ्री डेज किसी भी डायरेक्शन में ये भी देखो यहां से सी टी सी ए जी टी ए सी टी देखो यहां पे फाइव डेस पे गड़बड़ लोचा हो गया तो ये नहीं है ये करेक्ट आंसर है आगे चलते हैं आंसर हो जाएगा इसका बच्चों ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नीट 2022 का क्वेश्चन आगे चलते हैं गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स आपको दो स्टेटमेंट्स अगेन दिए हुए हैं नीट का पेपर जो 2022 का पेपर था वो वाला जो पेपर था वो आपका क्या हुआ था थोड़ा सा लेंदी आया था आया था अगर आपने किसी ने भी वो पेपर दिया हो ओ शिट यस तो आपने अगर किसी ने भी वो पेपर दिया हो तो थोड़ा सा ना लेंदी पेपर आया था गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स ठीक है यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ठीक है क्या करना है स्टेटमेंट नंबर वन रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज रिकग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डी एन ए नोन एज पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यस रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जब कट करता है डी एन ए को वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस भी कट करता है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या होता है पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जहाँ पर ही वो कट करेगा ठीक है तो ये तो बिल्कुल सही हो स्टेटमेंट हो गया स्टेटमेंट नंबर स्टेटमेंट नंबर टू पूछ रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कट दी डी एन ए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम देंटर ऑफ द पेलिंड्रोमिक साइड तो जो पेलिंड्रोमिक साइट है बिल्कुल उसके सेंटर में नहीं काटेगा का, सेंटर से थोड़ा हट के काटेगा एप्सल्यूटली करेक्ट देखो आपने देखा था जी ए ए टी टी सी जब इस एंजाइम को जब इस पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटा गया था तो क्या यहाँ से काटा गया था नो स्टिकस प्रोड्यूस किए थे ना हमने मैंने पढ़ाया वह स्टिकंस ब्लैंड ब्लंट एंड्स क्या होते हैं वीडियो ज़रूर देखना वो जाके हमने काटा था ये इसका सेंटर है सेंटर से थोड़ा सा हट के इस साइड में सेंटर से थोड़ा हट के यहाँ पर काटा था जियोरे के बीच में तो अवे फ्रॉम सेंटर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपका एक्चुअली ठीक है तो हम यहाँ पर देखेंगे इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट इनकरेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता दोनों ही करेक्ट है तो so, इनकरेक्ट कहीं पे भी दिया हो कहाँ दिया हुआ एक तो यहाँ दिया हुआ है एंड इसके अंदर ये इनकरेक्ट दिया हुआ ये भी ऑप्शन गलत ये इनकरेक्ट दिया ये भी ऑप्शन गलत यही ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं बच्चों तो चलिए आगे की स्लाइड पर मूव करके देख लेते हैं आंसर क्या है आपका बहुत अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वैक्टर क्लोनिंग वैक्टर का ही डिजायरेबल फीचर नहीं है ठीक प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकग्नाइजेशन साइट्स क्या एक क्लोनिंग वैक्टर में दो से ज़्यादा रिकग्नाइजेशन साइट होती हैं सोचो इतनी देर में है ना आगे बढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन ये तो पक्का ही होता है ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन के बिना तो हम वैक्टर का कोई काम ही नहीं है मतलब हमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बनानी है और कॉपी तो तभी बनेगी जब हमारे पास ओरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन होगा रैप्लीकेशन के ऊपर उसी पॉइंट पे जाके हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जुड़ता है तभी तो कॉपीज़ बनती है ना प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन सेलेक्टेबल मार्कर तो होना निश्चित है होना ही चाहिए वो तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट तो क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक साइट होनी चाहिए या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए दो से ज़्यादा साइट होनी चाहिए बच्चों एक एंजाइम के लिए सिर्फ एक साइट होनी चाहिए एक एंजाइम के लिए बहुत सारी साइट्स अगर मिल जाएंगी तो वो डीएनए हर जगह से कट जाएगा वो वेक्टर हर जगह से कट जाएगा तो वो हमारे काम का नहीं रहा तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए हमारे पास में दो से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन साइट्स नहीं होनी चाहिए एक ही होनी चाहिए ठीक है तो सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो साइट होनी चाहिए लेकिन नॉट कुछ है नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऐसा फीचर जो हमें नहीं चाहिए हम नहीं चाहते वो फीचर हो तो वो है ये दो से ज्यादा रिकग्नाइजेशन साइट्स यहाँ पर नहीं होनी चाहिए वरना डी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बच्चों क्या हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जो कि हम नहीं चाहते हैं। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो दी uh, स्टेटमेंट्स ठीक है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स अगेन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि नीट 2022 का पेपर थोड़ा सा लेंदी था और पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ था उस पेपर के अंदर है ना सीधे सीधे टिक नहीं करने थे बहुत सारा कुछ पढ़ना था तो पढ़ लेते हैं है ना एंटी हमसे यही चाहते कि आप पढ़ो बहुत सारा तो वन इज लेबल्ड एज असर्शन रीज़न फिर से तो असर्शन क्या पूछा हुआ है रेस्ट्रिक्शन इन जाइम इज़ अ टाइप ऑफ एंडो न्यूक्लियस ऐप से ल्यूटली करेक्ट एंडो न्यूक्लियस तभी से उसके नाम के आगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस लगाते ना आगे चलते हैं रीजन इज है ना रीजन इज रिस्ट्रिक्शन इन जाइम कट्स द टू स्टैंड ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए इन दाइट ऑफ हाँ विद इन द डीएनए विद इन द डीएनए ठीक है यहां से आपका जो स्टेटमेंट है वो खत्म हो जाता है क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द टू स्टैंड ऑफ डी एन एट अ स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए विद इन द डीएनए दिस इज द मेजर पॉइंट जो कि एन टी ए हमसे पूछना जा रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हम उसको एंडो न्यूक्लियस बोल सकते हैं अगर आपको याद हो बच्चों मैंने न्यूक्लियस की दो कैटेगरीज बताई थी ठीक है सो न्यूक्लियस की दो कैटेगरीज में एक था एक्जोन्यूक्लियस एक था एंडो न्यूक्लियस एग्जो न्यूक्लियस वो एनजाइम्स थे जो डी एन ए को बाहरी एरिया से काटते हैं ठीक है एंड से काटते हैं और एंडो न्यूक्लियस वो एनजाइम्स थे जो डी एन ए को मिड से या फिर बीच में से कहीं से काटते हैं विद इन द डीएनए अंदर डी एन ए के काटते हैं तो अफकोर्स इसको हम एंडो न्यूक्लियस बोल रहे हैं क्योंकि ये अंदर से काटता है क्या वर्ड यूज़ किया मैंने क्योंकि ठीक है तो असर्शन और रीज़न जब भी आ, आ आए और आपसे ऐसा पूछा गया ना कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं बच्चों को यही कंफ्यूजन आता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं कैसे ढूंढे एक कीवर्ड यूज़ करो बीच में दोनों स्टेटमेंट्स को लिंक करो पहले तो दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअल पढ़ो कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं है ना अगर दोनों स्टेटमेंट सही है ना तो फिर आपको इन दो ऑप्शन uh, में कन्फ्यूजन होगा अगर इनमें से कोई एक भी गलत है तो, तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर या तो ये या तो ये निकलेगा ठीक है तो हमने दोनों स्टेटमेंट्स पढ़े दोनों सही थे अब हमें देखना है कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं तो लगाएंगे बिकॉज लगाओ जरा बिकॉज <coughs> रेस्ट्रिक्शन एनजाइम इज अ टाइप ऑफ एंडो न्यूक्लियस बिकॉज रिस्ट्रिक्शन एनजाइम कट्स द टू स्ट्रांड्स ऑफ द डी एट स्पेसिफिक पोजीशन विदिन द डी एन एब्सल्यूटली बिल्कुल सही जच रहा है ना कि देखो रिस्ट्रिक्शन एनजाइम को हम एंडो न्यूक्लियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एनजाइम डी एन ए को विद इन द डीएनए काट रहा है ठीक है विद इन द डीएनए काट रहा है तो आंसर हो जाएगा बट बच्चों ए और आर इज करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आगे चलते हैं गिवन बिलो <laughs> फिर से स्टेटमेंट आ गया आपके पास में है ना स्टेटमेंट इज़ आपको असर्शन और रीज़न दिया हुआ है सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मतलब सेम क्वेश्चन मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आप देख पा रहे हो असर्शन और रीज़न पे बहुत फोकस किया गया है इस बार तो आपको असर्शन और रीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है एग्जाम देते हुए भी प्रिपरेशन करते हुए भी नीट पहले एम्स का पेपर अलग होता था तो वहाँ पर असर्शन रीजन क्वेश्चन आया करते थे तो अब नीट में ऐसे पूछे जाते हैं ऑप्शन देकर ठीक है तो आपको असर्शन रीजन आनी चाहिए असर्शन इज गिवन इन आर डी एन टेक्नोलॉजी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग एम्फिसलिन एज वेल एज द मीडियम कंटेनिंग टेक्ट्रा साइक्लिन याद आपको कि जब हमारे जो नॉन रिकॉम्बिनेेंट बैक्टीरियाज थे नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज वो वे बैक्टीरियाज थे जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा नहीं था और जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा नहीं था तो उसकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन कौन सी थी एम्फिसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी और एक टेट्रासाइक्लिन रजिस्टेंट जीन थी दोनों ही डिस्ट्रॉय नहीं हुई क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया दैट्स वाई दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना जो रिकॉम्बिनेंट होता है उसमें एक पर्टिकुलर हमारी जो एंटीबायोटिक रजिस्ट मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट होती है रेजिस्टेंट साइट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है उस वजह से वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से मर सकता है यहाँ पर ये बैक्टीरिया दोनों ही टाइप के एंटीबायोटिक वाले मीडियम में ग्रो किया था क्यों क्योंकि उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं और जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई कहीं से भी वो आ, मरेगा नहीं ठीक है रेजिस्टेंट शो करेगा तो टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिन दोनों ही मीडियम से वो अच्छे से ग्रो कर सकता है रीजन इसका ये है रिकॉम्बिनेंट प्लाजमेट कंटेन द फॉरन जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है रिकॉम्बिनेंट प्लाजमेट है ना यहां पर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की बात की गई थी यहां रिकॉम्बिनेंट की बात की जा रही है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेन द फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो फॉरन जीन ऑफ इंटरेस्ट ये पूछ रहा है कि रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट में फर्क क्या है रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि उसमें हमारा फॉरन जीन ऑफ इंटरेस्ट है दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट रिकॉम्बिनेंट और जिसमें फ़ॉरन जीन इंटरेस्ट नहीं है जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो एप्सिल्यूटली दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है बट बच्चों इसका रीज़न क्या है एम्फिसिलिन और uh, स्टेटा साइकिली में ग्रो किए थे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स क्यों बिकॉज उसमें रीज़न में ये आना चाहिए कि वो इसलिए किए क्योंकि उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा ही नहीं और जीन ऑफ इंटरेस्ट ना घुसने की वजह से इसकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट थी वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई इसलिए वो एंटीबायोटिक के प्रति लड़ता रहा और बिल्कुल मस्त जिंदा रहा है कि नहीं तो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न ठीक है तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ है कि असर्शन एंड रीजन करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों यहां तक कोई डाउट है अगर तो क्वेश्चन को आप कुछ भी जो है आपको डाउट आता है वो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इन कोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अ नेटिव प्लाज्मेट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हमने जो तो सबसे पहला आर डी एन ए बनाया था बच्चों है ना एनसीआरटी में एक हिस्ट्री दी हुई है आर आर डी एन ए की ठीक है जो हमने सबसे पहला आर डी एन ए बनाया था वो हमने कौन, किस कौन से ऑर्गेनिज्म का प्लाज्मेट निकाला था कौन से ऑर्गेनिज्म का प्लाजमिन निकाल के उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसाया था वो बताना है यहाँ पे इस रिशे कोलाई लाई बेसिलस थ्रस सालला टाइफोम्यम एंड एग्रोबेटेरियम ट्यूमिफेश टु, तो ऑब्वियसली बात बताइए तो बिल्कुल रटा रटाया ज्ञान हो गया बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम देख लेते हैं आंसर बिल्कुल यही है नीट दो हज़ार में पूछा गया क्वेश्चन साल्मोनेला टाइफी ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेल द सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स इज़ ब्रॉड अबाउट बाई दी एंजाइम डी एन एलीकेस ठीक है तो इसमें क्या बोला गया है कि सेप्रेशन जो है बच्चों डी एन ए का जब हम डी एन ए की कॉपी करते ना क्लास ट्वेल्थ में आप जब वो चैप्टर पढ़ोगे ना सिक्स चैप्टर मॉलिकल बेसिस ऑफ़ इनहेरिटेंस वहाँ पर आपको डीएनए की स्टैंड को तोड़ना पड़ता है कॉपी करने पड़ती है जो आप डीएनए की रेप्लीकेशन करते हो तो वहाँ पर आप डीएनए को स्टैंड को तोड़ते हो तो आपको एक डीएनए एन एंजाइम चाहिए होता है वेयर एज जब आप पीसीआर में डीएनए की कॉपी करते हो तो वहाँ पर आपको डी एन नहीं चाहिए होता वहाँ पर कोई और चीज़ चाहिए होती है कोई और चीज़ की वजह से वो डी एन ए स्टांड जो होते हैं वो टूट जाते हैं तो याद करो पी सी आर में तीन स्टेप्स पढ़ाए थे डी नेचुरेशन सबसे पहले था जिसमें मैंने आपको एकदम वीडियो भी बना के दिखाई थी सत्रह मिनट की वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर देखना जाके बहुत ईजी सिंपल एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको पी सी आर समझाया हुआ है उसमें ऐसा बोला गया है कि उस टेक्निक के अंदर हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है तो उस टेक्निक के अंदर ना सबसे पहले डी नेचुरेशन था दूसरा एनलिंग था तीसरा उसके अंदर क्या था हमारा एक्सटेंशन हो रहा था ठीक है कि डीएनए का स्टैंड जो था वो एक्सटेंड हो रहा हो रहा था और कॉपी क्रिएट हो रही थी तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है बच्चों क्या चाहिए होता है उस स्टैंड को सेपरेट करने के लिए है ना? ये देखो <coughs> स्टैंड को सेपरेट करने के लिए बच्चों क्या चाहिए होता पता आपको हमें चाहिए होता है सेपरेशन करने के लिए हाई टेम्परेचर क्योंकि स्टैंड सेपरेट फर्स्ट स्टेप में होते हैं डी नेचुरेशन में होते और कहीं पे भी नहीं होते है. तो स्टैंड सेपरेट करने के लिए हमें डी नेचुरेशन स्टेप को लेना पड़ता है और डी नेचुरेशन के लिए हमें हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है दैट्स वाई दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस की आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वैक्टर यूज इन आर डिन टेक्नोलॉजी आर्ड इन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें गुड वैक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हमने करी है ना इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन सपोर्टिंग अ हाई कॉपी नंबर यस हम ऐसा ही वैक्टर चाहते हैं जिसमें हाई कॉपी नंबर हो ताकि वो रेप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा हमारा मन चाहे डी एन ए का यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट का कर सके एब्सिल्यूटली करेक्ट इट शुड हैव प्रेफरेबली मोर देन टू रिकग्नाइजेशन साइट्स मोर देन टू रिकेग्नाइजेशन साइट अगर वो एक एंजाइम के लिए दो से ज़्यादा रिकेग्नाइजेशन साइट रखेगा तो बच्चों वो वेक्टर खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि एंजाइम आएगा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस उसको जहाँ जहाँ अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स दिखेंगी वहाँ वहाँ कट कर कर देगा तो दो से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी तो दो से ज़्यादा टुकड़े बन जाएंगे उसके और टुकड़ों का हम क्या करेंगे हमें तो जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर करवाना था और कुछ नहीं करना था तो इतनी सारी साइट्स नहीं होनी चाहिए आगे चलते हैं द रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन वेक्टर शुड बी इन दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तभी तो उसको हम बोल रहे हैं ना सेलेक्टेबल मार्कर है ये और अगर सेलेक्टेबल मार्कर ना होता तो हम क्या कर पाते हम क्या पहचान पाते कि हमारे रिकॉम्बिनेट्स कौन से हैं नॉन रिकॉमिनेट्स कौन से नहीं ना तो हमें यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना ज़रूरी है इट शुड हैव सूटेबल मार्कर जीन्स एब्सोल्यूटली इट शुड बी ईजी टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई एब्सोल्यूटली हम तो यही चाहेंगे कि इसको आराम से हम इसको आइसोलेट कर पाएँ प्योरीफाई कर पाएं ठीक है तो हम एक ये चीज नहीं चाहेंगे कि जिसके अंदर दो से ज्यादा रिक्नाइजेशन साइट हो तो देख लेते हैं बी ऑप्शन गलत है ए सी ई e. चारों ऑप्शन हम चाहते हैं सही है तो ए सी ई दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स इज लेबल एज असर्शन रीजन फिर से आपको असर्शन रीजन मिला असर्शन के अंदर पूछा गया वैन अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंड जाइाइम कट्स स्टैंड ऑफ द डीएनए ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज और स्टिकी हैंड्स आर फॉर्म्ड यस क्योंकि जब भी रेस्ट्रिक्शन एनजाइम काटता है एक पर्टिकुलर स्टैंड को डी एन ए को तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं एब्सोल्यूटली प्रोड्यूस होते हैं नो डाउट आगे रीजन के अंदर आपसे क्या पूछा गया ये है रीजन आपका ठीक है रीजन में क्या पूछा गया है कि क्या दिया गया है सब रिस्ट्रिक्शन एंड जाइम्स कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पेलिंड्रोमिक साइट पेलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा हट के काटते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन एंड जाइम एप्सोल्यूटली करे तभी तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं मैं अगर जी ए ए टी टी सी को हालांकि मैंने समझाया हुआ है पूरा का पूरा तुम्हें रेस्ट्रिक्शन एंड जाइाइम अगर मैं इसको सेंटर से काट दूंगी तो कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा ये जी ए ए टी टी सी है ना ये इस तरीके के एंड्स एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जहां पर बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है ये ठीक है यहां से पोर्शन भरा हुआ यहां से पोर्शन भरा हुआ लेकिन अगर मैं जी ए टी टीसी में यहां से काट दूंगी यहां से ओके दिस इज नॉट वर्किंग हाँ तो मैं यहां से अगर जी और ए के बीच में से काट देती हूँ इसको ठीक है जी और ए के बीच में काट देती हूँ तो क्या होता है जी इधर रह जाएगा ठीक है और आगे स्पेस खाली हो जाएगा ठीक है तो ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं कहाँ पे जब हम उसको पेरिंडोमिक साइड के सेंटर से हट के थोड़ा सा अलग काटते हैं तो सेंटर से काट देंगे तो कोई स्टिक इंट प्रोड्यूस नहीं होएगा तो स्टिकी एंड इसीलिए प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज वापस हम बिकॉज हमारा ये वर्ड यूज करके ही असर्शन रीजन सॉल्व करेंगे कि वन अ पटिकुलर स्ट्रिक्शन जाइम कट स्ट्रैंड ऑफ डी एन एवर हैंगिंग स्ट्रेचर स्टिकी एंड फॉर्म्ड बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शन एंड कर दिस स्ट्रांड ऑफ डी एन एर लिटल अवे फ्रॉम देंटर ऑफ पेनिडॉमिक साइड क्योंकि पेलीडोमिक साइड से के सेंटर से हटके काटेंगे तभी तो स्टिकेट्स आएंगे तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है एक्सप्लेनेशन भी अच्छा हो रहा है रीजन uh, जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को है ना फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आगे चलते हैं Okay. सेपरेशन ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट्स इज डन बाय टेक्निक नोन एस जब हम सेपरेशन कर रहे हैं डी एन ए का फ्रेगमेंट का तो कौन सा टेक्निक है बड़ा ही सिंपल क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से सेपरेशन होता है नहीं उसे तो कॉपीज बनती है एम्पलीफाई होता है क्या आर डी ए टेक्नोलॉजी में सेपरेशन होता है नो आर डी ए टेक्नोलॉजी में भी हम हमारा आर डी एन ए बना रहे हैं रिकॉमनेट डी ए बना रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं रहे है एक वैक्टर के अंदर सदन ब्लॉटिंग ये क्या होती है आपको डी एन ए फिंगर प्रिटिंग पढ़ोगे तब आपको सदन ब्लॉटिंग भी पता चलेगा अभी आपके कोई काम करनी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चों ये ऐसी टेक्निक थी जिसमें हमने डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए थे और वो फ्रेगमेंट्स जो थे वो अलग अलग एक जेल के ऊपर किए थे अगार जेल, जेल याद है है ना? आंसर नंबर फोर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है आगे चलते हैं पैथोजेनिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू चेंजेस इन देयर तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं मतलब ऐसे बैक्टीरियाज जो पैथोजेनिक मतलब जो बीमारी फैला सकते हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट ले लेते हैं कहाँ पे कहाँ चेंज करके वो एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंट लेंगे कॉस्मेट्स प्लाजमेट न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड देखो वो अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ना उनके पास में उनके वेक्टर में होती है तो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में जो वेक्टर होता है वो प्लाज्मिड होता है और प्लाज्मिड के अंदर ही क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो अगर वो उसमें चेंजेस कर देंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं हम घुसा देंगे तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो गायब हो जाएगी ऐसी जीन जो उसको एंटीबायोटिक के प्रति लड़ने में काम आ रही थी अब वो काम नहीं आएगी तो एंटीबायोटिक आएंगी और उसको मार देंगी ठीक है तो प्लाज्मिड में वो चेंजेस करते हैं है ना जिसकी हेल्प से क्या हो जाता है बच्चों आ, वो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट जो है वो गेन करते हैं आगे चलते हैं डीएनए स्टैंड ऑन जेल स्टेन्ड विथ इथीडियम ब्रोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो करते हैं आप देख पा रहे हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बहुत क्वेश्चन आए हैं ठीक है और असर्शन रीजन बहुत आए हुए हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर तो नोट करना ये टॉपिक्स आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है आपको नोट भी करना होता है कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछे कहाँ गए हैं ताकि हम उन्हीं टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करें तो <clears throat> डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन विथ इथीडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन जब आप इथीडियम ब्रोमाइड से उसे रंगीन करते हो स्ट्रैंड्स को एंड उसको फिर यूवी लाइट के अंदर देखते हो तो आपको क्या कौन से कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं डार्क रेड ब्राइट ब्लू येलो बैंड्स और ब्राइट ऑरेंज बैंड ऑब्वियसली ये क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट हुआ नो नीट दो हजार इक्कीस में फिर से पूछा गया है दो हज़ार बाईस में पूछा गया है तो ऑब्वियसली ब्राइट ऑरेंज ब्रांड्स आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन कहाँ रिपीट हुआ दो हज़ार बाईस में अभी हुआ था एग्जैक्ट ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ स्टेटमेंट में स्टेटमेंट आया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आए थे ना कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं है उसके अंदर पहला ही स्टेटमेंट आपको गिवन था कि ब्राइट ऑरेंज कलर की याद है आपको मैंने अभी क्वेश्चन कराया नॉट ट्रू ढूंढना था उसमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढना था जिसमें ब्लू कलर ऐसे लिखा हुआ था कि ब्लू कलर के स्टैंड प्रोड्यूस होते जब हम इसे इथीडियम रोमाइड के अंडर देखते हैं तो वो ब्लू कलर के नहीं ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ब्राइट ऑरेंज था फोर्थ ऑप्शन में ब्लू लिखा हुआ था तो ब्लू वाला गलत हो गया था इसी चक्कर में क्योंकि ब्राइट ऑरेंज होते हैं तो इसका आंसर भी ब्राइट ऑरेंज हो जाएगा ऐसे होते क्वेश्चन रिलेट ताकि हमें पता लग जाए कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए अगेन

तो पीसीआर के स्टेप्स देखने हैं आपको एक्सटेंशन डीन एचुरेशन एनलिंग नो सबसे पहले हम डीन एचुरेशन करते हैं डीन एचुरेशन मतलब डीएनए को तोड़ेंगे डीएनए के दोनों स्टैंड्स को अलग करेंगे तो ये डीन एचुरेशन आ गया उसके बाद डीन एचुरेशन पहले आ रहा है तो दो दो ऑप्शन में आ रहा है थर्ड में और फोर्थ में तो थर्ड और फोर्थ में से कौन सा जाएगा तो सेकेंड स्टेप पर चलते हैं एनलिंग होता है या एक्सटेंशन होता है पहले पहले एनलिंग होता है एनलिंग में क्या होगा जो आपका आ, जो आपका एंजाइम होता है यानी कि जो आपका प्रोब होता है जो हम आके जोड़ते हैं वहाँ पर है ना ये आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आपको एक प्राइमर होता है जो आपको लाना पड़ता है हाँ पर लगाने के लिए और फिर उस उसको ही हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं ठीक है तो आपको पहले एनलिंग करनी होगी उसके बाद आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा और एक्सटेंशन कर देगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन आगे चलते हैं ड्यूरिंग द प्योरीफिकेशन प्रोसेस फॉर आर डी एन ए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट याद है आपको जब हमने डी एन ए को बेटा सेल में से जब हमने डी एन ए को निकाला था सेल के अंदर होता है डी एन ए उसको हमें बाहर निकालना है तो सेल में सबसे पहले तो हम प्लाज्मा मेमरिन को चीरते हुए अंदर गए ठीक साइटोप्लाज्म के अंदर पहुँचे तो बहुत सारे प्रोटीन थे तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीज़ डाला था है ना लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज डाला था फिर और अंदर गए हम तो वहाँ पर आरएनए थे तो आरएनए को डाइजेस्ट किया आर के थ्रू है ना तो ऐसे करके हमने उनको डाइजेस्ट किया जो बाकी के माइक्रोमोलिक्यूल्स थे और फिर हमारा डी था उसको हमने निकाल लिया ठीक है तो हमने डी को निकाला था बच्चों चिल्ड एथेनॉल से प्रेसिपिटेट किया था याद आपको चिल्ड एथेनॉल लिया था ठंडी शराब बिल्कुल उसको उससे हमने प्रेसिपिटेट किया था तो डीएनए हमारा ऊपर ऊपर आ गया था हमने इसको ऐसे घुमा के स्पूलिंग याद है स्पूलिंग हमने एक टेक्निक यूज़ करी थी स्पूलिंग स्पूलिंग की हेल्प से हमने इस डी को बाहर निकाल लिया था तो वी सेपरेटेड दिस डी ओनली है ना बाई प्योरिफिकेशन मेथड आगे क्वेश्चन में चलते हैं प्लाजमिक पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू हैज अ पी एस टी आई पी एस टी वन पी एस टी वन पी एस टी आए नहीं पी एस टी वन का हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बच्चों अगर आप पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू का डायग्राम देखोगे कई बच्चे गलती करते हैं डायग्राम नहीं देख के जाते देखो डायग्राम से क्वेश्चन आया पी एस टी वन कहीं थेरी में नहीं लिखा हुआ डायग्राम में दिया हुआ है डायग्राम में पी एस टी वन की साइट दी हुई रिकोगनाइजेशन साइट ठीक है वो देखना आप इट इज़ अ साइट विद इन जीन एम्फिसिन रेजिस्टेंट जीन जो होती है ना जहाँ पे पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू में एम्फेसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा एक साइड एक साइड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा तो एम्फिसिन रेजिस्टेंट जीन में दो एंजाइम्स हैं पी वी यू एंड पी एस टी उनका रेस्ट्रिक्शन साइट जो होता है वो प्रेजेंट होता है फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड इफ दिस एंजाइम इज़ यूज फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन एंड इज इंसर्टेड इन ई तो क्या बोला गया है कि इसके पास में पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू के पास में एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पर मतलब वहां पर दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स होती है पी वी और पी एस टी यहां पर ही PST की बात करें कि अगर पी एस टी वन की जो रेस्ट्रिक्शन साइट वहाँ पे अवेलेबल है तो मैं अगर पी एस वन नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाऊँ और उस साइट को काट दूँ तो क्या होगा तो उस साइट को काट देने से ना बच्चों एक चीज़ हो जाएगी कि उस साइट को काटती एम्फेसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो थी ना वो भी गायब हो जाएगी वहाँ से और अगर वो गायब हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि तुम बीटा गैलेक्ट्रोसाइड ला के वहाँ इंसर्ट करोगे तो अगर तुम एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को काट कर बीटा गैलेक्ट्रोसाइड लाने की कोशिश कर रहे हो तो वो बैक्टीरिया या फिर वो प्लाज्मी वो वेक्टर जिसमें भी जाएगा जिस भी बैक्टीरिया में जा रहा है ईकलाई e. बैक्टीरिया में ना, तो ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट खो देगा एम्फिसिन के प्रति तो अगर एम्फिसिन उस बैक्टीरिया पे छिड़की जाती है तो वो बैक्टीरिया एम्फिसिन से मर जाएगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंट जीन थी उसके पास पर जो कि आपने डिस्ट्रॉय कर दी बाय इंसर्टिंग दिस बीटा गेलेक्टो साइड इज इन टू दैट ठीक है तो इट विल लीड टू द लाइसिस ऑफ होस्ट सेल नो होल सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इट विल एबल टू टू प्रोड्यूस अ नोवल प्रोटीन विद डुअल्प एबिलिटीज नो इट विल बी एबल टू इट विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट द एम एम्फिसन रेजिस्टेंट टू द हो सेल येस होस्ट सेल के अंदर अगर ये चला जाएगा और होस्ट सेल मान लो मेरी सेल है है ना मेरी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया आ गया इकोलाई e. वाला बैक्टीरिया ठीक है जिसमें एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जिंक को उड़ा दिया गया मैं इस बैक्टीरिया को मारने के लिए एम्फीसीिन टैबलेट खाती हूँ ठीक है एम्फीसीिलिन एंटीबायोटिक खाऊंगी तो एम्फीसिलिन जो केमिकल है वो जाके काम करेगा इस बैक्टीरिया पे और बैक्टीरिया मर जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया के पास हथियार ही नहीं है है ना एम्फिसिन के लिए तो ये जो है ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि द ट्रांसफॉर्म सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्फिसिन एज वेल एज प्रोड्यूस द बीटा गलेक्ट्रोसाइड नो दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है अगर तुमने एम्फिसिन रेजिस्टेंट जीन हटा दिया है तो वो एम्फिसिन के प्रति रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा सिर्फ बीटा गेलेक्ट्रोसाइड की ही एक्टिविटी शो करेगा तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती बीटा गैलेक्ट्रोसाइडिस की अगर आपको एक्टिविटी चाहिए है तो एम्फिसिलिन हटाओ रेजिस्टेंट जीन हटाओ और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हटा, हटा दोगे तो एम्फिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट नहीं आएगा और वो बैक्टीरिया मरेगा ही मरेगा एम्फिसिलिन के प्रति तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि नहीं होगा उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज ठीक है आगे चलते हैं नीट 2021 का फिर से क्वेश्चन आया एक क्वेश्चन इज सेइंग अ स्पेसिफिक रिकोगनाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाई एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनई ठीक है फिर से क्वेश्चन पेलीनड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर बहुत बार आया हुआ है जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटता है पेलीनड्रोमिक सीक्वेंस पे काटता है लिटिल अवे काटता है फ्रॉम सेंटर ये लाइन बहुत बार रिपीट हो चुकी है तो ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है तो बच्चों कौन सी जगह क्या होता है पेलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पर ये एंजाइम हमें मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटता है डीएनए को ठीक है तो ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों बाकी के ऑप्शन पढ़ने पढ़ना चाहो तो पढ़ लो बाकी कोई मतलब नहीं है कि पॉलियटेल सीक्वेंस ये भी आपके नहीं आया डी जनरेट प्राइमर सीक्वेंस ये भी नहीं है कुछ ऐसा ओकाजा की सीक्वेंस ये भी नहीं आया अभी कुछ ये आते हैं क्लास ट्वेल्थ के अंदर जब आप मोलिकलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हो तब ये टर्मिनोलॉजीज आती है ओकाजा की फ्रेगमेंट्स वगैरह ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग पी जब आप पी यूज़ कर रहे हो जीन को एम्पलीफाई कर रहे हो इफ अ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग अगर आपने पी जैसे यूज़ करते सबसे पहला स्टेप होता है डी नेचुरेशन अगेन देखो पी के ऊपर फिर क्वेश्चन आया पी के जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर सीधा सीधा स्टेप्स भी पूछ लिए गए और स्टेप्स से रिलेटेड भी सवाल आ गया तो अगर मान लो बोला है कि बिगनिंग में अगर तुमने टेम्परेचर को नहीं बैलेंस किया तुमसे मेंटेन नहीं हुआ टेम्परेचर तो कौन सी चीज़ है जो कि इफेक्ट करेगी तो टेम्परेचर यानी कि 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डीनाचरेशन होता है डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं तो अगर मैं बिगिनिंग में ही टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे एंड द डीन ऐचरेशन द स्टेप इट इज़ अ स्टेप विल बी इफेक्टिंग फ्रॉम दिस थिंग अगर मैं इस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाया तो डी नेचुरेशन के अंदर ही हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है लाइगेशन में हमें कोई टेम्परेचर एनलिंग में भी हमें कम टेम्परेचर चाहिए होता है एक्सटेंशन में फिर भी हमें थोड़ा बहुत चाहिए होता है पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें डी नेचुरेशन बोला गया है हमें कैसे पता चला कि हमें डी नेचुरेशन भी जाना है हम तो एक्सटेंशन पर भी जा सकते थे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है बिगनिंग बिगनिंग पीसीआर की बिगनिंग से शुरू होती है बेसिकली ये आपसे स्टेप पूछना चाह रहा था कि बिगिनिंग कहाँ से होती है स्टेप कौन सा है पहला ठीक है पी का तो ऑप्शन नंबर वन डी नेचुरेशन नेक्स्ट इज द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डी इन वैक्टर वैक्टर के अंदर बच्चों ऐसा कोई सीक्वेंस होता है जो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपीज बना रहा होता है तो कॉपी नंबर को कंट्रोल करने वाला ऐसा सीक्वेंस कौन सा होता है ओ आर आई साइट ओरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन साइट ऑब्वियसली ये आंसर होने वाला है पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये वाला सीक्वेंस कभी भी कॉपी नंबर को कंट्रोल नहीं करता ये वाला सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन इंडो के लिए होता है कि वो आएगा और काट के चला जाएगा रिकग्नाइजेशन साइट्स या सेलेक्टेबल मार्कर्स ये कॉपी नंबर से रिलेटेड नहीं होते कॉपी नंबर तो ओ आर आई पर होता है नाम में देखो रैप्लीकेशन आ रहा है रैप्लिका कॉपीज़ बनाना तो ओरिजन ऑफ रैप्लीकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जहाँ पर आपकी कॉपी नंबर कंट्रोल की जाती है और कॉपी किया जाता है उसको ऑप्शन नंबर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्वेश्चन देख रहे हो कितना ज्यादा रिपीट किया है 2020 में क्वेश्चन आया 2021 में क्वेश्चन आया 2022 में क्वेश्चन आया कहीं नहीं छोड़ा गया इसको तो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंड पीसीआर एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दीज आर दी हॉट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर ठीक है हालांकि हम पिछले पाँच सालों के क्वेश्चन अभी नहीं डिस्कस कर पाएंगे मैं एक और सेशन ले आऊँगी जिसमें मैं और पीछे के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी ताकि आपको और आइडिया लग जाए बट जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए हैं वो भी पिछले दो तीन साल के हैं और उसमें इतनी बार ये चीज़ रिपीट हो गई है तीन ये दो तीन टॉपिक्स ठीक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पी है ना और रेस्ट्रिक्शन एंडो आगे चलते इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए एन फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइलाइज विद दी हेल्प अब देखो सेपरेट जो हमने डीएनए एन को किया है हम उसको कैसे देख सकते हैं तो उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा एक पिगमेंट डालना पड़ेगा ना जिसकी हेल्प से हम देख पाए इथीडियम ब्रोमाइड इन यू रेडिएशन ठीक है एक और ऑप्शन दिया हुआ है इथीडियम ब्रोमाइड इन इन्फ्रा रेडिएशन नो यूवी रेडिएशन यूवी रेडिएशन यूज़ कर रहे हो तो ही इथीडियम ब्रोमाइड का फर्क पड़ेगा अदरवाइज नहीं पड़ेगा ऑप्शन नंबर वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स दैट रिगार्ड्स टू रेस्ट्रिक्शन एनजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडजाइम्स के प्रति जो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है दे कट दिस स्ट्रेंथ एट पेलिंड्रोमिक साइट दे कट दि स्ट्रेंथ एट पेलिड्रोमिक साइट येस करेक्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटते हैं पेलिंड्रोमिक साइट के ऊपर काटते हैं अगेन रिपीटेड याद रखिएगा रिपीट हो रहा है दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफकोर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है जहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा रहे हैं वैक्टर में और आर डी बना रहे हैं इसी को तो आर टेक्नोलॉजी कह रहे हैं तो ऑफकोर्स ये यूज होता है रेस्ट्रिक्शन इंजाइम तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन बाई यूजिंग डी एन ए लाइगेस नो डी एन ए लाइगेस से तो हमने क्या जोड़ा था देखो डी एन ए लाइगेज में आपको दिखाती हूँ लेट्स सपोज कि आपका ये था वैक्टर ठीक है और ये था मेरा बच्चों जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर इस तरीके से एंटर करवा दिया था जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के अंदर तो ये जो एंड्स होते हैं ना ये एंड्स ये वाले एंड्स ये साइड वाले एंड्स इनको हम डी एन ए लाइगेस की हेल्प से जोड़ते हैं ठीक है ताकि ये मेरा जो आ, आया है फॉरेन जीन आया है वो इससे चिपका रहे फैक्टर वाले जीन से तो स्टिकी तो इनको जोड़ने के लिए डी ए लाइगेज नाम का इंजाइम एक ग्लू यूज़ किया जाता है अदरवाइज स्टिकी एंड्स जो होते हैं वो हमेशा अपने आप ही जुड़ जाते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना तो जैसे ही अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड देखेंगे अपने आप ही चिपक जाएंगे तुम्हें डी ए लाइगेज की जरूरत नहीं है ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग दी लेंथ ऑफ द डीए येस डी ए सिक्वेंस का लेंथ देखता है और देखता है कि मुझे कहाँ से कितना काटना है तो उसको पता चलेगा तो उससे हमेशा लेंथ को इंस्पेक्ट करते हुए ही ये काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस तो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है और इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर बिल्कुल सही है चलिए तो आगे आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट्स डी एन ए मॉलिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रिक्नाइजेशन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ सिक्स बेस पेयर इज फिर से क्वेश्चन आया सबसे पहला खोजा जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कौन सा था जिसने सिक्स पेयर्स वाले सीक्वेंस को पहचाना और वहाँ से उसको काटना शुरू किया तो याद रखिएगा सिक्स पेयर वाले जगह पे काटता है कौन सा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और वो कौन सा हिंड सेकंड जो था वो हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था बच्चों रटा रटा है ज्ञान है ये तो एन में साफ लिखा हुआ है बस आपको फोकस करने की ये चीज़ है अगर इस बार ये क्वेश्चन आया तो अगली साल ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंड सेकेंड जो एंजाइम है वो कितने बेस पेयर के सीक्वेंस पे काटता है पांच बेस पेयर चार बेस पेयर या छः बेसपेयर इसकी रिकग्नाइजेशन साइड जो है वो कितने बेस पेयर की है छः पेयर की है याद रखना आपको यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं इसीलिए कहते हैं लोग कि पी वाई क्यूज़ लगाओ पी वाई क्यूज़ लगा लिए हैं तो उनको याद कर लो याद इसको ऐसे आंसर आंसर याद नहीं करना उनके क्वेश्चन समझने की एक्चुअली में उसमें भी क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बना देते हैं तो हिंट सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा आज का ठीक है अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मैं और क्वेश्चन जरूर लेकर आऊंगी आज के लिए इतना ही आई होप दैट यू इन्जॉयड द सेशन अलॉट एंड यू हैव अ क्लियर आइडिया कहाँ से एक्चुअली में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कौन से कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको और ज्यादा ब्रशअप करने की जरूरत है और ऐसे हॉट टॉपिक्स कौन से हैं तो तीन तो मैंने ही बता दिए है रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पी एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं पहले सीक्वेंस वगैरह से सो थैंक यू सो मच एवरीवन आपने ज्वाइन किया सेशन देखा सेशन अगर आपने Uh, देखा है तो और अगर आपको कोई डाउट आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए अपनी जितनी भी क्वेरीज आती है डाउट्स आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि हम उसको पढ़ सकें आपके डाउट्स सॉल्व कर सकें और तो बाकी आपको पता ही है चैनल पे आ ही गए हो तो सब्सक्राइब तो करे बिना जाना हिम्मत लाइक करना वीडियो को शेयर करना सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय